भारत की धमाकेदार जीत, विराट ने रचा इतिहास, बने इतने रिकॉर्ड। नमस्कार, ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम खेले गए मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 125 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। गुरुवार को हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए थे। जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम महज 143 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। शमी ने सिर्फ 6.2 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत की ओर से विराट कोहली ने 82 गेंदों पर 72 रन की शानदार पारी खेली, जबकि MS धोनी 61 गेंदों पर 56 रन बनाकर नवाज रहे। बने इतने रिकॉर्ड। नंबर 1 वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप में ये तीसरी हार है, जबकि विश्व कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत की ये चौथी बड़ी जीत है। नंबर 2 धमाकेदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने 16 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। विश्व कप में व्यक्तिगत तौर पर किसी भी भारतीय गेंदबाज का ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन है। नंबर 3 कल हुए मुकाबले में 72 रन बनाते ही विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर के 20,000 रन पूरे कर लिए। अब वह विश्व के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 20,000 रन सबसे तेज बनाए हैं। इससे पहले ये कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के नाम था। विराट कोहली ने 417 पारियों में 20,000 इंटरनेशनल बना दिए हैं। नंबर 4 वनडे में विराट कोहली का ये 33वां मैन ऑफ द मैच पुरस्कार था। इसी के साथ होने अफरीदी और पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि अफरीदी और पोंटिंग 32 बार वनडे में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीत चुके हैं। पॉइंट टेबल का हाल, वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में भारत 11 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वही वेस्ट इंडीज हार के साथ विश्व कप से बाहर हो चुका है। भारत सेमीफाइनल में पहुंचने से केवल एक जीत दूर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।